कर दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए जीतते दोस्तों, आज का नया वीडियो। आज कुछ 3 BHK मीटर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। 3 BHK मीटर कैसा लगता है, उसके कनेक्शन कैसे लगते हैं, उसका न्यूट्रल लिंक कहाँ होता है, उसके न्यूट्रल कितने आते हैं, उसका फेस कितने आते हैं, और आइसोलेटर कैसे लगाते हैं, उसका कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं। अब मैं आपको सब डेमो करके चेक करके बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों, यह है 3 BHK मीटर। इसके अंदर 3 फेज आते हैं और एक ही न्यूट्रल आता है। जैसे सर्विस लाइन खंभे से आ चुकी है, एक येलो कलर का, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का जो वायर दिख रहा है, तीन, ये 3 फेज और एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, उसके अंदर एक न्यूट्रल लिंक आता है। ये देखिए, ये 3 कलर के 3 फेज और एक न्यूट्रल आता है, और 3 फेज जो आते हैं वो घर के आउटगोइंग के आते हैं, 3 फेज इनकमिंग के आते हैं। अब उसका कनेक्शन कैसा करता है वो मैं बताऊँगा आपको। जब ये येलो कलर का वायर आएगा तो येलो के बाजू में येलो आएगा, जो ब्लू रेड कलर का वायर आएगा तो रेड के बाजू में रेड आएगा, और ब्लू कलर का जो वायर देखेंगे वो ब्लू के बाजू में ब्लू आएगा। इसका मतलब 3 फेज और 3 आउटगोइंग, 3 इनकमिंग। उसके बाजू में जो न्यूट्रल आएंगे तो ये दोनों न्यूट्रल दिख रहे हैं आपको, देखो ये ब्लैक कलर का मेरे हाथ में, और इसके बाजू में जो एक इनकमिंग का आएगा और एक आउटगोइंग का आएगा। तो ये हो गया अभी मीटर का कनेक्शन। अभी वो एक्सीलेटर के अंदर सप्लाई कैसा आता है और कितने एम्पीयर का एक्सीलेटर 3 BHK मीटर के बाजू में लगाया जाता है। यह एंकर कंपनी का मैंने एक्सीलेटर लगाया है 100 एम्पीयर, यहाँ पे भी 100 एम्पीयर का, और यहाँ पे भी। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यानी आने वाले हर वीडियो आपको जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 100 एम्पीयर का एक्सीलेटर लगाया, यहाँ 100 एम्पीयर का और यहाँ 100 एम्पीयर का, 3 एक्सीलेटर मैंने यहाँ लगाया। यहाँ आप 63 एम्पीयर की भी एक्सीलेटर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लोड कुछ ज़्यादा ही है तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 100 एम्पीयर की एक्सीलेटर लगाया। अब ये देखिए दोस्तों, 3 फेज इसके अंदर यहाँ आ चुके हैं, ये देखिए एक लोड डोया चुका चुका है और 3 फेज यहाँ आए हैं और 3 फेज इसके अंदर आए हैं। दोस्तों, इसके अंदर न्यूट्रल लिंक नहीं आती है, इसके अंदर 3 फेज आते हैं। न्यूट्रल लिंक लगाना रहा तो आप ज्वाइंट मार सकते हो टेप मार के, या फिर न्यूट्रल लिंक ला के स्पेशल इसके अंदर न्यूट्रल लिंक लगा सकते हो। यहाँ मैंने न्यूट्रल लिंक 32 एम्बर की न्यूट्रल लिंक लगाया यहाँ और यहाँ पे। इसके हिसाब से अपना 3 फेज का तीनों लोड आराम से डिवाइड यहाँ पे अपने आप हो चुका है। यहाँ पे मैंने पूरा पद्धति करके बताया है आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।